Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next chapter. That is chapter number 14, symmetry. आज हम क्या पढ़ेंगे? Symmetry के बारे में. ठीक है? तो symmetry को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं कुछ figures के through बताती हूँ. ठीक है? देखो जैसे यहाँ पे first figure given है. ये आपको एक scenery दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पे देखो अगर इस line को हम देखें, तो इस लाइन के ऊपर जो फिगर है सेम वही फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है. अगर इसको हम लाइन मान ले तो, है ना. और आपको क्या दिख रहा होगा कि दोनों सेम तो हैं, बट क्या है, अपोजिट हैं. अपोजिट है ना. तो इन्हीं फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री, सिमेट्रिकल फिगर्स. कि कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं. ठीक है, मतलब एक लाइन इनको डिवाइड कर रही है, अदरवाइज जो दोनों पार्ट्स हैं ये क्या है, सेम है. ठीक. अब देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कह रहा है यहाँ पे. लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो अगर हम किसी भी फिगर को हम लाइन के थ्रू डिवाइड करते हैं. ठीक है, अगर हम किसी भी फिगर को लाइन के द्वारा हम डिवाइड करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, तो उस फिगर को क्या बोलेंगे, उस फिगर को बोलेंगे सिमेट्रिकल. एंड ये जो लाइन के द्वारा हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये जो लाइन होती है ना, इसको क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री. क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री. देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये इंडिया गेट है. इस लाइन को देखो, इसके बिल्कुल जैसा इधर साइड होगा सेम इधर भी साइड होगा, है ना. तो ये लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, है ना. तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, ये जो हमारी लाइन होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक. एंड ये जो फिगर होगा जो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, वो क्या होगा हमारा, सिमेट्रिकल फिगर, या सिमेट्रिकल, हाँ फिगर बोल देंगे. ठीक है, तो अगर सिमेट्री की डिफिनेशन देखा जाए तो देखो, द लाइन ऑफ सिमेट्री इज दैट लाइन इन अ फिगर अबाउट विच इफ द फिगर इज फोल्डेड देन इट्स टू आइडेंटिकल और सिमेट्रिक पार्ट्स कैन कवर ईच अदर कम्प्लीटली. अगर हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, उसके बीच में हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो जो हमारी क्या बोलते हैं, फिगर जो है, मान लीजिए इस पार्ट से हम इसको, इस लाइन के थ्रू हम इस फिगर को फोल्ड कर दें ऐसे. ठीक है, मान लो ये है, इसको ऐसे हम फोल्ड कर दें. ठीक है, तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, है ना. ये क्या होगा, जो जितने फिगर्स आपको यहाँ पे देखेंगे उतने ये इसको भी कवर किया रहेगा, पता नहीं चलेगा, है ना. तो सेम वैसे ही लाइन ऑफ सिमेट्री में होता है. ठीक है, एक पेज है, सपोज मेरे पास पेज है, देखो ये पेज है ना, इस पेज को ये पेज ऐसे मैंने ओपन रखा है. ठीक, तो इसको मैं अगर ऐसे फोल्ड करूं, फोल्ड कर दिया, देखिए ऐसे फोल्ड कर दिया. ठीक, तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि मैंने इसको फोल्ड किया है, क्या आपको पता चल रहा है, नहीं चल रहा है ना. क्यों, क्योंकि इसने एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लिया है, है ना. तो ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये हमारी क्या कही जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री कही जाएगी. ठीक, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा. अब लाइन ऑफ सिमेट्री जो होता है वो दो तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है. तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड ये जो है, ये क्या है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमें अपनी एक्सरसाइज 14.1 करना है. देखो क्या है, गिव एग्जांपल्स ऑफ फाइव सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स देने हैं. जैसे बटरफ्लाई हो गया, आपका का टाइगर देख लीजिए, कोई सीनरी देख लीजिए. ठीक है, लीफ, पत्ता देख लीजिए. तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें सिमेट्रिकल सिमेट्री जो होगी वो शो की जा सकती है. ठीक है, तो फर्स्ट का ऐसे कुछ आंसर हो जाएगा.
सेकेंड क्या कह रहा है कि विच ऑफ द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट केप्ट इन योर ज्योमेट्री बॉक्स आर सिमेट्रिक। आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं लाइक आपका स्केल हो गया, कंपास हो गया, डिवाइडर हो गया, ठीक है, तो इसमें कौन से ऐसे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें सिमेट्री सो की जाएगी, तो वो आप अपना देख के आंसर करिएगा। ठीक, डिवाइडर में होगा, स्केल में होगा, ठीक है, तो ऐसे आप देख लीजिएगा। और बाकी में थर्ड क्या कह रहा है कि फाइंड वेदर और नॉट द फॉलोइंग फिगर आर सिमेट्रिक, आल्सो ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द सिमेट्रिक फिगर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फिगर है जो सिमेट्री शो करेगा, और शो करेगा तो उस लाइन ऑफ सिमेट्री को आपको इंडिकेट करना है। जैसे ये है, देखो ये है ना, ये इसको इस बीच से बिल्कुल हम एक लाइन ड्रॉ करें तो जो पोर्शन इधर होगा सेम वही पोर्शन इस साइड भी होगा, तो ये तो शो करेगा, सेम ये भी शो करेगा। इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे बीच से यहाँ पे, तो ये भी शो करेगा, ठीक है, इसको भी मीडियम से वैसे ड्रॉ करेंगे तो ये शो करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी बिल्कुल नहीं करेगा। ये है फिश को ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो शो नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह आपको बताना है, ये ड्रॉ करना है तो इसमें सिमेट्रिकल फिगर का हाफ पोर्शन दिया गया है, हाफ बाकी आपको ड्रॉ करना है, तो वो आप इस बुक में ही करोगे, ठीक है, तो इसको करिएगा। देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसी की तरफ ऐसे ऐसे ये ड्रॉ है, तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। सॉरी मैं अभी मैं स्केल है मेरे पास, लेकिन ठीक है ऐसे कंप्लीट कर दीजिएगा फिगर, ठीक, तो स्केल के थ्रू इसको करिएगा आप। अब आता है आपका सिमेट्री इन ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप में सिमेट्री कैसे हम देखते हैं, ठीक, तो कुछ शेप आपको गिवन है। देखो यहाँ पे जब हम एक लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी क्या, ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री कही जाएगी, क्यों, क्योंकि इस लाइन को ये दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है। हम एंगल बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आइसोस्केलिन में ये जो लाइन होगी, क्योंकि ये दो लाइंस, ये जो इसके लाइन सेगमेंट है ये इक्वल होते हैं ना ये साइड्स, तो ये पी से, जो पी से जाएगा लाइन ऑफ लाइन जो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा वो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सेम यहाँ पे भी है, ठीक है, वैसे इसमें भी करेंगे। तो रेक्टेंगल में टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक, क्योंकि इसके इसकी जो ब्रेथ होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और इसकी जो हाइट लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है। रोम्बस का केस भी वही है, ठीक है, तो ये फिगर्स आप एक बार देख लीजिएगा कि किसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक। ट्राई दिस का 14 का फर्स्ट हमें वही सेम शो करना है, सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हेक्सागन में, तो फर्स्ट आपका ये गिवन है तो सेकंड आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, थर्ड आपका ऐसे हो जाएगा, फोर्थ ऐसे हो जाएगा, ठीक, तो इस तरह लाइन ऑफ सिमेट्री सिक्स आप शो करोगे। देखो कौन कौन से इंग्लिश अल्फाबेट हैं जो सिमेट्री शो करते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी नहीं शो करता है तो नहीं है, ठीक है, एफ भी नहीं शो करता है तो उसको शो नहीं किया गया, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश अल्फाबेट के वो लेटर्स दिए गिवन है जो सिमेट्री शो करते हैं, एंड उनका आपको लाइन ऑफ सिमेट्री भी शो किया गया है, ठीक, इसको ऑलवेज याद रखिए कौन कौन से ऐसे अल्फाबेट हैं जो लाइन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं, ठीक। अब इन्हीं के बेस पे हमें एक्सरसाइज 14.2 करना है। इसमें क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे वो आपको बताने हैं, ठीक, फर्स्ट वाले में एक होगा, सेकेंड वाले में भी एक ही होगा, थर्ड वाले में दो होगा, ठीक है, तो इस तरह आप इसका बता दीजिएगा कितने हैं सारे फिगर्स के। सेकंड क्या कह रहा है कि ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स ऑन अ ग्राफ पेपर। देखो ग्राफ पेपर पे मत करिएगा आप शेप को, ठीक, ग्राफ पेपर पे मत करिएगा, ऑन कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ग्राफ पेपर पे बहुत ज्यादा आपको बनाना पड़ जाएगा। कॉपी में आप इन फिगर्स को बनाइए, ठीक है, और फिर इन फिगर्स को आप उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री शो कर दीजिए। जैसे स्केलिन है, स्केलिन में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, नहीं होगी,
ठीक, एसोसिलीन है तो इसमें होगी, इसमें एक होती है, ठीक है। जैसे फिगर ड्रॉ करके आप उसको बता दीजिएगा किसमें है किसमें नहीं है। थर्ड क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैव, सर्कल के पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इनफाइनाइट, सर्कल एक ऐसा डायग्राम है जिसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कहीं से भी करो वो बिल्कुल सेम दिखाई देगा, ठीक है। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ पैरेललोग्राम हैव, पैरेललोग्राम में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक भी नहीं, ठीक है। फिफ्थ क्या कह रहा है कि इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल एंड कंप्लीट द डायग्राम सो दैट इट बिकम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो ये फिगर दिया गया है, ठीक है, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आपको इस फिगर को ऐसे ड्रॉ करना है कि ये आपका एक सिमेट्री शो करे, क्योंकि अभी ये सिमेट्री शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इस फिगर को ऐसे ड्रॉ करना है कि ये सिमेट्री शो करे, तो वो मैं आप पे छोड़ती हूँ, देखती हूँ आप कैसे बनाते हो, ठीक। सिक्स्थ क्या कह रहा है कि ट्रेस द एडजेसेंट फिगर ऑन अ ग्राफ पेपर एंड, इसको मत करिए, ग्राफ पेपर पे आपको इसको ड्रॉ करना है, मत करिए, ठीक है। सेवेंथ क्या कह रहा है कि राइट ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी, आपको इंग्लिश अल्फाबेट लिखने हैं तो आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे दिया गया है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक, तो इन ऐसे ही आप इन सब में लाइन ऑफ सिमेट्री शो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लिखना आपको सारे अल्फाबेट हैं, ठीक है। एट का कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन लिस्ट ऑल द लेटर्स विच हैव हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, कितने ऐसे अल्फाबेट्स के पास, जब लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो उसमें आपको ये देख के बताना है कि कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो लाइन ऑफ सिमेट्री शो कर रहे हैं, कौन सा हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल में देखो ये होता है हॉरिजेंटल, ये तो के जो है वो शो कर रहा है, डी शो कर रहा है, सी शो कर रहा है, बी कर रहा है, ठीक है, ई कर रहा है, और इतना है, ठीक। एंड नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो जो बचे हुए हैं जिसमें लाइन जिस जो इसमें नहीं शो किए गए हैं वो सब नो लाइन ऑफ सिमेट्री में आ जाएंगे, ठीक। नाइन्थ क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर शो दैट द टू डैश्ड लाइन बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री इन न्यू फिगर, आपको ये कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली बनाना है, मतलब टू डैश जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री शो करे, तो इसके लिए हमको ये फिगर कंप्लीटली बनाना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। ये एक हो गया, फिर ऐसे नीचे चले जाइए, ठीक, देखो हो गया ना, फिर कंप्लीट है ना, तो ऐसे आपको बनाने हैं, और ये जो दोनों लाइंस हैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री शो कर दे रही है, ठीक है। तो करिएगा, इतना दो एक्सरसाइज हैं, करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आस्क करिएगा, ठीक है, फिर हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक, ओके, थैंक यू।